से जो है मैं शादी नहीं कर पाया और अच्छे तरीके से मैं अपने वाइफ को यहाँ पे नहीं ला पाया। ठीक है, बस ब्लॉग बनाता हूँ, वाइफ है गर्लफ्रेंड है, लेकिन वाइफ गर्लफ्रेंड कहाँ है, क्यों नहीं लाते हैं हम, फेस रिवील क्यों नहीं करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे हो। चुका मॉर्निंग का टाइम, मस्त नहावा के फ्रेश हो गया। आप लोग के डिमांड पर बाल कटवा लिए, कल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। देख रहे कैसे लग रहे हैं, गाल फूला फूला लग रहा है, सर छोटा सा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे हैं। मम्मी गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग मेरे बेटा बेटी भाई बहन सभी को, सुबह के पर मुस्कान के साथ आशीर्वाद है। बिल्कुल दोस्तों, चलिए मम्मी से आशीर्वाद लेते। पापा गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए पापा जी के आशीर्वाद से आज के प्यारा व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे तैसे जुगाड़ करके बेल्ट में जो है रस्सी बांध दिए थे, पतला वाला गुलाबी कलर का, और बीन बनाए थे ये। पापा खोल दिए टी शर्ट, ये पुराना वाला कपड़ा को जो बढ़िया तरीके से फिट कर दिए, चपोत करके इसमें लगा दिए थे, लाल वाला टी शर्ट बांध दिए थे, और ये अंगूछा अपने सर में बांध लिए थे, काला टीका हम कर ही रखे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और इधर मम्मी देखें खाना बनाने में लगी हुई है, मम्मी आगे देखने लगती है कैमरा की, सांप को देख के डरना चाहिए, लेकिन कैसे भी करके जो है वीडियो शूट हो गया, पापा शूट कर दिए। तो ये और पापा भी सुबह सुबह निकलने काम पे, क्योंकि मिस्त्री साहब का कॉल आ चुका है दोस्तों, देखिए आप लोग। और इधर मम्मी अभी तक खाना बना ही रहे, फिर से हम रेडी हो गए, एक दो वीडियो और शूट करेंगे, उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली पापा जी निकल दिए हैं काम पे, ये देख सकते हैं अभी, और वीडियो वगैरह हमने शूट कर लिया, ब्लॉग को कंप्लीट करना, और आज शाम में कहीं 3 बजे निकलना भी है, तो शाम तक का ही ब्लॉग जो हमको एंड करना पड़ेगा। और दोस्तों, आज से कुछ मौसम ऐसा है, देख सकते हैं आप लोग, हल्का हल्का कुहेसा है, लेकिन ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। कुहेसा तो पता नहीं कब तक चलेगा, मकर संक्रांति तक हो सकता है, तो धूप आ जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि हम लोग ट्रिप पर जाने वाले थे, वो कैंसिल हो गया था, अभी कंफर्म है, वो कितने तारीख को अभी आपको नहीं बताएंगे, सब बता देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ये बकरी छोटी वाली आई ना, ज़्यादा ही कचरा फैलाता है, खाने को मिल जाता है खाना वगैरह, ज़्यादातर अन्य खाता है, रोटी वगैरह सब खा जाता है, सोचिए। और दोस्तों, सारे कपड़े वगैरह जैसे तैसे बिखरे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग, और आज हमें कहीं निकलना भी है, तो पता नहीं जैसे तैसे रखा रहता है। अभी मॉर्निंग के टाइम में जैसे हम उठते हैं ना, उठने के बाद जो कपड़ा की जरूरत पड़ता है वीडियो शूट करने के लिए, वो सब निकाल के पापा को भी देते हैं, हम भी पहनते हैं, पापा का भी कपड़ा रहता है, हमारा भी रहता है। तो दोस्तों, अब बनना है मुझे कार्टून, और कार्टून में उनके वीडियोस बनाना है, ठीक है, सच्चे वाला कार्टून है, कॉमेडी वाला कार्टून। तो मम्मी अभी बना दी है, और दूगो चोटी पता नहीं कैसा दिख रहा हो, क्योंकि ये बैक कैमरे से शूट हो रहा है वीडियो, ठीक है। मम्मी अपना रेडी कर दे रही है, काजल वाजल लगा करके, और ब्लॉग को हमने एंड कर लिया अभी, तो ब्लॉग को मस्त एडिटिंग करेंगे, जब तक मम्मी जी आएंगे मंदिर से तब तक हम खाना। और दोस्तों, आज हमारी मम्मी ने फेवरेट सब्जी बनाई, इसमें बैगन के साथ में आलू, जो हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, यहाँ पे गरम गरम रोटी, आप सभी लोग आकर के खा लीजिए। फ़ोन चार्ज में लगा है, अब थोड़ी देर में वीडियो का एडिटिंग करेंगे, कपड़ा वगैरह चेंज कर लिया अच्छे से, खाना वाना खा लेते हैं, आप सभी लोग आइए और खाना खा लीजिए। और दोस्तों, मस्त अभी खाना वगैरह खा लिए, मम्मी जी एकदम नहावा के रेडी हो गई, जाएंगे मंदिर पूजा वूजा करेंगे। ये देखिए, वाह, जस्ट लुकिंग लाइक वाह, मुस्कुरा रही है। ये देखिए आप लोग, इतना ठंडी है, मॉर्निंग के टाइम में हम नहा दें, लेकिन आज मम्मी जो है हिम्मत करके नहा लिए। तो दोस्तों, आप सभी लोग में से क्वेश्चन पूछते रहे, तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, चल जाएगा, वो हमको बाल वाल उतना रखना अच्छा नहीं लगता गाइस। आप सब लोग पूछ रहे हैं कि भैया आप शादी क्यों नहीं कर रहे, क्या रीजन है, सिर्फ ब्लॉग बनाया जा रहे हैं। तो आज हो सकता है इसके ऊपर हम और मम्मी बैठ करके बात करेंगे, या फिर हम अभी थोड़ी देर में वीडियो का एडिटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हमने वीडियो का एडिटिंग कर लिया, 11:34 हो रहा है, इससे पहले हमको शाम का ट्रेन पकड़ना है दोस्तों, आज संडे है, क्योंकि आज सापुट पटोरी से एक्सप्रेस चलता है, ठीक है, तो इसके लिए हमको निकलना पड़ेगा। तो फटाफट हमने वीडियो का एडिटिंग कर लिया दोस्तों, ये सारा कुछ काम हो ही गया है, अब फटाफट कपड़े को जो हम पैक कर लेते हैं, ठीक है, कपड़ा पैक करके फिर आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे, मम्मी का आशीर्वाद लेंगे, और आज का ब्लॉग जो है जल्द से जल्द हम खत्म करेंगे, क्योंकि हमको नेक्स्ट ब्लॉग भी आज ही के दिन स्टार्ट करना है, क्योंकि समय बिल्कुल बचेगा नहीं, और डेली ब्लॉग हम अपलोड करते हैं तो अपना डेली लाइफ दिखाते रहते हैं, हम नहीं चाहते कि एक दिन ब्लॉग जो है मिस हो आप सबके लिए, मेरा मेहनत जारी रहेगा, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसी में अपना पारिवारिक काम भी करना है, अपना लाइफ भी देखना है, और आप लोग को एंटरटेनमेंट करते भी रहना है। और अभी तक मम्मी जी आए नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मम्मी को अभी तक आ जाना चाहिए था, 1 घंटा लगता है अप्रोक्स, और देखिए कब तक मम्मी आती है, तब तक हमारा ब्लॉग भी जो है कम्प्लीट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, पूरा घर देखे करना है, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं घर में कि जो अच्छे तरीके से जो है हम सारा कुछ हमको संभाल सके, ठीक है, और हमारा कपड़ा वगैरह पैक कर सके। और दोस्तों, फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं हमने मिनी व्लॉग का भी एडिटिंग कर दिया, आज मज़ा आ गया, क्योंकि देखिए कितना टाइम है अभी, 11:51 हो रहा है, कॉल मैसेज आ रहे, क्योंकि भैया भी वहाँ से निकल गए, अजय भैया जो हमारे जी हाँ कानपुर वाले हैं, वो भी आ रहे हैं, थोड़ा सा घूमेंगे मस्ती भी करेंगे, और कुछ और भी है वो तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आज का ब्लॉग जो हम यहीं पर आसपास में खत्म करेंगे मम्मी जी जैसे ही आती है, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों कि काम अगर सही टाइम पर हो जाए, कहीं निकल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद हमने बैग को अच्छे तरीके से पैकिंग कर दिया, सारा
कपड़ा वगैरह हमने रख दिया, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए पूरा कपड़ा वगैरह पैकिंग कर दिए। आज पहन के चलना है ये वाला स्वेटर, ठीक है, और ये बेल्ट है हमारा और ये पैंट। उसके बाद हमारा जूता हम दिखाते हैं, क्योंकि जूता हम खरीद नहीं पाए थे दोस्तों, समय नहीं मिल रहा था, साथ ही साथ पैसे नहीं थे हाथ में, इसी वजह से जूता महंगा महंगा आता है, 1,000-2,500 का आने लगता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि 200-300 वाला मिले तो पहन ले। ये अजय भैया जी हमको कानपुर में जूता दिए थे, यही जूता पहन करके हम निकलेंगे, ठीक है। और ऐसे मुद्दे पे आते बगल में गाना बज रहे जिस वजह से मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ, तो मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, क्या ही बताऊँ, क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाता है। आप सभी लोग का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि हम कल परसों में हमने ब्लॉग पोस्ट भी किया था कि भैया जी आप शादी क्यों नहीं कर रहे, आपके मिलियन फॉलोवर हो गए, भाभी को तो अब तक लेकर के आ जाना चाहिए। तो दोस्तों मेरा एक और ओपिनियन है कि मैं अपने बहनों से भी बड़ा हूँ, लेकिन मेरी बहन है 1 साल 2 साल सब छोटी थी, तो उनका शादी मैंने क्यों करवा दिया, क्योंकि उनका उम्र था। उसके बाद दूसरी बात, हमें जो है एक पापा के साथ कंधे मिलाकर एक फ़र्ज निभाना था कि नहीं बहनों का शादी हो जाए, अपने लाइफ स्टाइल में जी सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपने लाइफ को रोक करके आप अपने बहनों की लाइफ अगर सिक्योर कर दोगे तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो बेटियाँ हैं। तो मैं इसी वजह से जो है मैं शादी नहीं कर पाया और अच्छे तरीके से मैं अपने वाइफ को यहाँ पे नहीं ला पाया, ठीक है। बस ब्लॉग बनाता हूँ, वाइफ है गर्लफ्रेंड है, लेकिन वाइफ गर्लफ्रेंड कहाँ है, क्यों नहीं लाते हैं, हम फेस रिवील क्यों नहीं करते हैं, यही सच्चाई है, ठीक है। सच्चाई यही है कि अगर आप लाइफ में निकम्मे रहोगे, कुछ नहीं करोगे लाइफ में, ठीक है, जीरो रहोगे, कहते हैं ना कि अकाउंट में जीरो बैलेंस होता तो उस अकाउंट को कोई नहीं पूछता, उस अकाउंट में अगर 1,00,000-2,00,000 करोड़ रुपया हो तो हर कोई पूछेगा कि नहीं नहीं हम भी आपकी हिस्सेदारी है, चाहे जिस व्यक्ति के पास हो बार बार पैसा निकाल के खाता पीता रहेगा। तो यही हाल होता है। तो जब शुरू में कुछ नहीं था फिर राजा भाई तो हमने मेहनत किया, फिर उसके बाद अपने बहनों को फिर परिवार को संभालने का प्रयत्न किए, क्योंकि अभी भी नहीं कह सकते मैं संभाल ही रहा हूँ परिवार को, ठीक है, ये पूरा संभालना नहीं कर सकते, बस हमारी कोशिश है, मेहनत है, क्योंकि अपने माता पिता की मैं बराबरी नहीं कर सकता, खास करके पापा जी का, पापा ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हम लोगों के लिए, ठीक है। तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर सब कुछ हमने सही कर दिया, बहनों की भी शादी हो गई, थोड़ा बहुत यहाँ पे गांव में घर भी बन, बाहर ज़मीन भी लेने वाले थे तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत पैसे जमा कर दिए, और पूरे तरीके से जमा नहीं किए हैं, जब पूरा अच्छे से ले लेंगे ज़मीन तो पूरे अच्छे तरीके से आपको ब्लॉग बना के दिखाएंगे, ठीक है। वो भी वहाँ ज़मीन लेने का मतलब यही था कि हम सुरक्षित रहें और अच्छे से रहें, यहाँ भी सुरक्षित है और अच्छे से हैं, ठीक है, बस कुछ लोगों से परेशान थे, बट उस चीज़ को इग्नोर मारते, क्योंकि इग्नोर मार के ही चलने में भलाई है, और कहीं ना कहीं हमने उस चीज़ को इग्नोर मारा है तभी आप लोग के बीच में हम आए हैं, ठीक है। लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, यूट्यूब से भी पैसे कमा रहा हूँ, मम्मी पापा को भी दे रहा हूँ, लेकिन जब आप अपने लाइफ को सही, ठीक है, बहनों की लाइफ सबकी लाइफ आप अच्छे कर दियो, ठीक है, जब आप एक घर के जिम्मेदार बैठे हो, जब आप अपनी लाइफ सही करने की कोशिश करोगे ना तो आपका कोई भी हेल्प नहीं करेगा, समझ रहे हो आप, कोई भी हेल्प नहीं करेगा। मम्मी पापा का क्या है, मम्मी पापा तो हमारे सहारे जीते हैं, तो ये मेरी क्या हेल्प करेंगे बताइए, उन्होंने तो मुझे जन्म दे दिया, इतना काबिल कर दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, दुनिया दिखा दिया, यहाँ तक आया हूँ, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मम्मी पापा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मम्मी पापा मेरे ही आश्रय में जी रहे हैं। बट कहते हैं ना कि रिलेशन के कोई भी लोग, चाहे कोई सारे लोग, आपका हेल्प नहीं करेंगे ना, आगे हाथ बढ़ाएंगे, हाँ ठीक है करो, इसमें सपोर्ट करते हैं, तुम्हारा वाइफ को लेकर के आओ, ठीक है, अपनी ज़िंदगी बिताओ, ठीक है। हम प्रॉपरली हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ का ये देखिएगा आप लोग, इस हिस्सा को हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए ये जो हिस्सा है ना, ये दरवाज़ा लगा हुआ है, यहाँ पे हम सोच रहे ग्रिल लगवा ले, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर एक घर बना ले ताकि हम जो है सुरक्षित हो जाएं और ताकि कोई प्रॉब्लम और परेशानी ना हो। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ना मम्मी पापा के पास पैसे हैं, ना हमारे पास पैसे हैं, जिस वजह से हम बनवा नहीं पा रहे, ना बाहर में ज़मीन की पूरा खर्चा जो है वो कम्प्लीट नहीं हो पा रहा, ना ज़मीन ले पा रहे, इस वजह से शादी के लिए हम थोड़ा सा रुके हुए हैं। हम अपने परिवार को लेकर के आएंगे तो हम तो यहाँ रह लेते, ठीक है, टूटा फूटा आदत है, वो सिटी के रहने वाली है, अच्छे जगह के रहने वाली है, मैं थोड़ा सा संकोच में रहता हूँ कि उनको लाऊंगा कैसे, खाए पिएंगे कैसे, रहेंगी, एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ठीक है तो लेकर के चले आएंगे, बट फिर भी मैं अपने तरफ से सोचता हूँ ना कि आप लोग भी कमेंट करो कि भैया वाइफ को ले आए, आप मतलब ऐसे जगह में रह रहे हो, आप गाँव से निकले हो तो उनको भी ऐसी ज़िंदगी जीने दे रहे हो, ये चीज़ तो मुझे कहीं ना कहीं खटकने लगता है, टेंशन सी हो जाती है कि मैं तो अपना लाइफ जैसे तैसे गुजार लिया हूँ, ठीक है, बट मैं आने वाले भविष्य में, ठीक है, अपनी होने वाली पीढ़ी को ये चीज़ को भुगतने नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि जो जो चीज़ें के लिए मैं तड़ता हूँ, तो इसी वजह से मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, और बस क्या ही बोले, अभी मम्मी भी आ रही है तो ब्लॉग को भी एंड करेंगे हम। और ये देख सकते हैं दोस्तों मम्मी अभी आ गई है। मम्मी कितना टाइम लग गया आने में, तो वहाँ पूजा खत्म होता था। चलिए कोई बात,
आई होप दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए इतने, बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट के, आधे से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए। आज के ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, यहाँ से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डेली ब्लॉग तो करते रहेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर ब्लॉग हमारे पास रहेगा तो आउट ही मानिए कि और भी काम होगा तो हम अच्छे तरीके से कर लेंगे घूम घाम के, ठीक है। जैसे कि बाहर में ट्रेन वगैरह लेट हो जाता है, ठीक है, टिकट विकट करवाना होता है या फिर कहीं पे मतलब लगातार रुके रहे, ठीक है, तो उसमें गैपिंग ना हो, हमारा ब्लॉग जो आता रहे। तो आई होप आज के ब्लॉग के लिए इतने, बिहार समस्तीपुर से देखिए प्रफुल्ल सर, प्रफुल्ल सर बगल में इंस्टाग्राम कर जाकर के फॉलो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए अपना, क्यों निकल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।